यस गुड इवनिंग एवरीवन, चेक करने के बाद वॉइस क्लियर है। तो आज का सेशन है हमारा फिर से MIQs मॉड्यूल 4, और मॉड्यूल 4 में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। पूरा कैलकुलस हमारी कवर करने की हमारी कोशिश है कि हर तरीके के जो क्वेश्चन हमारे पुटअप हो सकते हैं वो MIQs की क्लासेस या MIQs के टेस्ट के थ्रू आपको करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को RBC में कुछ सीट्स दी जा रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 400-500 क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको सॉल्व करें, ठीक है। प्रोवाइड की जा रही हैं आपको इंपॉर्टेंट सीट्स, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, तो आप उनको अगर सॉल्व करें, वेक्टर कंप्लीट अपलोड हो गया है, प्रोबेबिलिटी आज कर दिया है, तो उनको भी आप फास्ट रिविजन फॉर्म में देख सकते हो, आधा एक घंटे पर डे, ठीक है। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक और अनाउंसमेंट है अपना, कल 12 बजे से रात को 12 बजे तक एक बार फिर से अग्नि परीक्षा हम लोगों की, ठीक है, आपकी एज वेल एज मेरी, कि भाई 12 घंटे पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कल हम लोग कंप्लीट 12th कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा 12th। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिएगा, ठीक है, जो बच्चे NIMCET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अवेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर क्लासेस लेने वाले हैं, राइट। 12th कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ संडे को परसों फिर से 6 घंटे का कंप्यूटर क्लास होने वाला है, और ये कंप्यूटर क्लास या तो एक्मे के ऐप में होगा या YouTube पे होगा, वो डिसाइड कर लेंगे। 2 से 4 के बीच में, 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 से 4 में थ्योरी पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर का, जिसमें जो भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं वो अमन सर क्लासेस लेंगे, और 4 बजे से आपकी न्यूमेरिकल वाली क्लासेस होगी जो कि मैं क्लासेस लूँगा, ठीक है, 4 to 8 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे में आपको पूरा न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर का, और 2 घंटे में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, थ्योरी। तो 6 घंटे हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी। क्वांट और रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है 6-6 घंटे की हमारी, राइट। उसमें भी कुछ पार्ट बच गया था, पजल्स का बच गया था, और कुछ क्वांट का, कुछ पजल्स का, तो एक 3 घंटे की, मतलब 12 घंटे ऑलरेडी क्लास हो चुकी है रीजनिंग की, 3 घंटे का और करा दूंगा। तो 12 घंटे मैथ्स का 11th, 12 घंटे मैथ्स का 12th, 24 घंटे, 12 घंटे रीजनिंग हो चुका है, 36 घंटे, 3 घंटे और होगा, 36 3 39 आवर, और 6 आवर का तुम्हारा कितना, तो 45 आवर का आपको जो क्लासेस है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 45 घंटे में आप जान रहे हो, 45 घंटे जब टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा है तो बहुत सारी कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, MIQs क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे या थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो जाएगी, क्लियर है। सर कहाँ मिलेगी ये सब क्लासेस? बेटा मुस्कान गोयल है ना, आप थोड़ा सा एक्मे अकेडमी के चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ यूट्यूब पे ही है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस जो हुई है 12 घंटे की वो हमारे ऐप में है, यूट्यूब पे नहीं है, राइट, ठीक है। अगर रहेगा तो मैं उसको भी पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, बाद में, बट अभी तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट का आंसर आ गया, जल्दी बोले आंसर आ गया, फास्ट सोचें, जल्दी से आंसर लगाएं, सोचें और आंसर लगाएं। सर NIMCET के थ्रू कौन कौन से अदर NITs मिलते हैं? बेटा NIMCET के थ्रू NIT के अलावा कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं? तो IPU मिलता है, और HCU मिलता है, HBTU मिलता है, ठीक है, उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, HBTU कानपुर में है, और IPU आपका दिल्ली में कॉलेजेस हैं, 10 कॉलेज हैं करीब उसके। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सोच समझ के आंसर देना, ऐसे आए बाएं दाएं आंसर मत दे देना। देखो जब भी आपको पता है कि 0 पर डिस्कस करना है, दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ही सॉल्व होगा। पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब एक्स हमारा 0 से स्लाइटली बड़ा है, बिल्कुल छोटा सा बड़ा है, राइट। तो अगर 0 से थोड़ा बड़ा है तो 0.1 पकड़ लेते हैं, तो कॉस में 0.1 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 0.1 की 1 से छोटी हो जाएगी, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर सिटी 0 हो जाएगा, और ये x बन जाएगा, सो x की पावर 0, सो द वैल्यू इज 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट पर चलेंगे जब x हमारा बिल्कुल 0 से छोटा होगा तो ये माइनस x बन जाएगा, बट बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस में माइनस का 0.1, माइनस तो खा जाता है कॉस, तो कॉस में 0.1, समझ पा रहे हो ना, मैं इसको मान रहा हूँ माइनस 0.1 फॉर एग्जाम्पल, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस 0.1, राइट। ऐसे 0.1 भी नहीं होता है, 0.001 बोल देंगे हम लोग, है ना। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अब इसको ये क्या करेगा, कॉस खा जाएगा, तो कॉस 0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप जानते हो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 से तो छोटी होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, सो अगेन 0, सो द वैल्यू इज 1, सो द राइट आंसर इज 1,
लिमिट विल एग्जिस्ट एंड वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलत कर लेंगे इस क्वेश्चन को, हो गया। किसमें देखना पड़ेगा मुझे यार, अभी क्लियर है ये समझ में आ गया अच्छे से, वो तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपका मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो नेचर चेंज होगा वो। एक्चुअली लिमिट कभी भी बिना लेफ्ट एंड राइट लिमिट के निकलता ही नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा लिमिट में LHL RHL से ही निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड निकाला, इक्वल आ गया तो लिमिट हो गया। बट हम देखते हैं कि कोई फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे क्रिटिकल नेचर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब मान लो मैंने A पे निकालना है, तो A से छोटे, A से थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा आगे करो, फंक्शन का नेचर अगर सेम है तो हम लोग नहीं निकालते, सॉल्व कर देते हैं। बट यहाँ पे बदल जा रहा है ना, ये भी बदल जा रहा है, ये भी बदल जा रहा है, दोनों बदल जा रहे हैं, उड़ा दें। ये तो कई बार कराए हुए IIT मेंस का क्वेश्चन 2015 का, उड़ाएं भाई, जल्दी उड़ाएं, फटाफट करें, आंसर बताएं। लॉग है कि लिमिट? अरे लिमिट है यार, लॉग लिख गया क्या? अरे वो टाइपर लॉग लिख दिया है, लिमिट है वो, ठीक है बेटा, वो लिमिट है बेटा, टाइपर लॉग लिख दिया, ठीक है, लॉग ऑग नहीं है, लिमिट है सारे क्वेश्चन में, है ना, इतना हम लोग भी ध्यान नहीं देते सर, लॉग तो लॉग नहीं है, लिमिट है भाई साहब। फटाफट आंसर करेंगे। हेलो, हाँ जी, कौन सर? बेटा अभी क्लास ले लूँगा ना, हो गया बच्चों, सर इजी पेपर देके मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर हार्ड पेपर देके डीमोटिवेट हो जाता हूँ, यही तो अप डाउन से जिंदगी में दुख सुख चलते रहते हैं। तो एक दिन आप सुख हो जाइए, सुखी हो जाइए, सुख मिल गया आपको, आपके नंबर आ गए मस्त, और जब आप इतने खुश हो गए तो आप हमेशा ये मान के चलिए, अगर किसी की जिंदगी में खुशी आई है तो उसकी जिंदगी में गम भी आएगा कभी ना कभी। आपको गम में रिलैक्स रहना है, खुशी में उतावला नहीं हो जाना, अरे भाई साहब कॉलर ऊंची करके घूम रहे हो, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब हमें आता है, ठीक है, तो उसका तुरंत जवाब मिलता है आपको अगले टेस्ट में, ठीक है। अब आज जो डिमोटिवेट होकर है, जिंदगी बेकार है, फिर जवाब मिलेगा नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है तुम्हारी, कल के टेस्ट में तो जवाब मिलेगा जिंदगी बहुत अच्छी है, इट्स गुड, मतलब पेपर इज गुड, ठीक है। तो ऐसा चलता रहेगा, अप डाउन चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बोलूँगा AST के जितने भी, सॉरी कौन से हो रहे हैं अपने, AFT फाइनल टेस्ट जितने भी चल रहे हैं अपने, ठीक है, वो बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक, इतना बोलूँगा। 100% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलने वाले हैं, बताएं, हाँ, एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते, इधर देखो लिमिट को ऐसे ही खत्म कर देंगे हम लोग, इस जीरो को अगर यहाँ पुट करें तो ये 4 होगा ना, तो इससे तो कोई समस्या नहीं, इसे हटा दो, यहाँ 4x से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा ना, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इससे कोई समस्या नहीं, हटा दो, ये और ये मिलकर 1/2 बन जाएगा ना, तो 1/2 इंटू 4 ऊपर 4 है ना, खत्म बेटा, हाँ रुको 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 रुको, थोड़ा गड़बड़ थोड़ा गड़बड़, बस हो गया, यहाँ तक क्लियर है अभी, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्लियर बच्चों, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बचाओ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट्स इट राइट, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू, आंसर अब समझ में आ गया, क्लियर हुई भाई, ये हमारा हट गया 1 आ गया या 4x आ गया, ये हमारा 4 हो गया, 4 से 4 निपट गया, यहाँ x स्क्वायर बचा, ये बचा, सॉल्व कर लिया, क्योंकि लिमिट जब प्रोडक्ट में होती तो अलग अलग पार्ट में लिमिट अप्लाई कर सकते हो। सर बहुत बड़ी बात की आज आपने, हाँ बेटा मैं बड़ी बातें करता हूँ भाई, अभी तुम लोग थोड़ा, कुछ बच्चे थोड़ा कम मिलते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि कभी कभी सत्संग होते हैं, जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएं, ये लॉग ही लिख दिया क्या सब जगह, इसलिए वो कॉपी पेस्ट हो गया गलती से बच्चे से, ठीक है कोई बात नहीं,
हम अपने टाइपर्स, हमारा एक्चुअली नया आया हुआ है, एक नया टाइपर, एक टाइपर हमारा उसका प्रमोशन हो गया तो वो बड़ा हो गया अब, है ना। हाँ, तो एक वो काफ़ी दिन से काम कर रहा था, उसको प्रमोट कर दिया गया, तो अब टाइपर नहीं बन गया, वो हेड ऑफ कंटेंट हो गया, ठीक है। तो हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया वो, तो अभी नया टाइपर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो बेटा, नया टाइपर है। आज इस क्लास में एक चीज़ तो नोट कर लो, आज इस क्लास के लिए लॉग इज इक्वल टू लिमिट। असलियत में आज क्लास के लिए, आज क्लास के लिए पागल आगल हो क्या तुम? क्यों लिमिट मान लेंगे लोग? एनआईटी में होगा ऐसा, अप डाउन से यही डर लगता है, ऑलरेडी ड्रॉप है, क्यों नहीं होगा बेटा? देखो एक चीज बताओ, अगर पेपर टफ है तो आपके लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए है। अगर आज का पेपर टफ था तो पूरे इंस्टीट्यूट के लिए था ना। तो कल जो टॉपर हमारा 882 लेके आया था, 882 था ना सर, 886 लेके आया था टॉपर, आज वो 800 के आसपास आ गया है आज का 800, कम तो हुआ ना टॉपर। अरे भाई इसको बनाओ, चलो हो गया, तुम लोग डिस्कस बहुत करते हो, बहुत बातें करते हो, सॉल्व करें बेटा, क्या आ जाएगा साइन एक्स, आगे बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेटा, राइट, माइनस का कॉस एक्स, आगे बोले एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, बोलते जाओ बेटा, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस का टेन एक्स, थोड़ा इधर फोकस करो सब लोग, है ना, टेन एक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको पता है दिस इज द एफ एक्स, है ना। सो बच्चों एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से भाई, यहाँ से एक एक्स, इसमें एक एक्स यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा, बोलो, बोलते जाओ, एक एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, बोलते जाओ, मैं एक्स काटता जा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स माइनस, अरे वो तो एक्स माइनस टू एक्स ना, वॉट एवर, छोड़ दो, अब लिमिट लगा दो, इसमें लिमिट लगा दो, एक्स टेंस टू जीरो, आ गया आंसर, बोलते जाओ बच्चों, जीरो लगाओगे तो वन हो जाएगा, ये माइनस वन ना, माइनस ये वन और ये माइनस टू, जीरो रखोगे तो ये तो जीरो इंटू, सो इट इज वन, टू माइनस वन वन, चेक कर लो, बनी है सी, बी है क्या, अरे वन है ना आंसर, जो भी है बी है सी, डी है ना, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हुआ, अच्छा था, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिटरमिनेंट सॉल्व किया, आंसर आ गया, बोलो क्लियर हो रहा है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब, उड़ा के मारो, उड़ा के मारो, अब वो हट गया वैसे से, तो क्या था दोनों, चलो करें करें करें, जल्दी करें फटाक से, इसका आंसर करें, इसका आंसर करें बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, समय नहीं है ज्यादा, समय में वेस्ट मत करिए कोई भी, फटाफट आंसर करिए, आंसर बोले, आंसर बोले, जल्दी से आंसर बोले बच्चों, आंसर बोले, देखें पाई बाई टू पुट करो, कॉट पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है यार, जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है तो आपके पास ये तो समझ में आ गया होगा, या तो तीन बार चाल चलनी पड़ेगी हमको डिफ्रेंसिएशन की, इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन डिफ्रेंसिएशन तो अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, बिना कुछ सोचे आंसर आके रहेगा, क्या करूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा दूँ, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस होल अपॉन में थ्री माइनस सॉरी थ्री टाइम पाई माइनस का इनटू में राइट
फिर से अप्लाई होगा, अभी देख लो जीरो ही आएगा 100%, नीचे जीरो आ रहा है इन्फाइनाइट तो आंसर है, नहीं तो जीरो ऊपर भी आ रहा होगा, कन्फर्म है ये बात, ऐसा ना बोलो, तो देखने की जरूरत, फिर से मारो माइनस टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का बोलो तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स इंटू और प्लस में होल अपॉन में माइनस सिक्स तो था ही पहले ही, फिर अच्छा ये फिर से आ जाएगा ना टू, चलो चलो सिक्स कर लेता हूँ, सिक्स पाई माइनस टू एक्स एज वेल एज माइनस टू कितना फोर हो जाएगा ना डायरेक्ट, माइनस टू माइनस टू फोर हो जाएगा, समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है? एक बार और करोगे आंसर आ जाएगा, अभी भी क्योंकि जीरो आ रहा है देखो यहाँ पे आ रहा है, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे बट कहाँ टू, थ्री टू जो सिक्स कर दिया मैंने और पाई माइनस टू एक्स कर दिया और इसका माइनस टू था एक माइनस टू और फोर हो गया, अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, ये थ्री बाहर था डिफरेंशिएशन का टू आया सिक्स, या तो हमारे साथ साथ चलिए, पीछे जाके मत देखिए ठीक है, गलत कन्फ्यूजन करा देते तुम लोग, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा, इधर आ जाओ, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर आ जाएगा, या सुनो कर दो टू, अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाएंगे हम लोग है ना गौर, जैसे हम लोग जो पार्ट जीरो हो रहा होगा ना उसको उड़ा देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं अगर इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा अच्छा, क्या हो जाएगा ये वन अपॉन, कोई मतलब नहीं है ना सॉल्व करके, कोई मतलब नहीं छोड़ दो, ध्यान से देखना डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का टू कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का फिर से क्या आएगा जल्दी बोलो, कॉसेक एक्स माइनस, तो माइनस आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ एक ही मिला के, क्लियर है? फिर बीच में प्लस, ये टू तो बाहरी ले लिया था, इसको जो का तो लिखेंगे, और इसका क्या होता है माइनस, तो माइनस 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 हो जाएगा ना यहाँ पे, और कॉसेक की पावर क्या हो जाएगी, हो गया ना, और यहाँ पे माइनस और होल अपॉन में 24 हो जाएगा ये, और इधर का कितना हो जाएगा हमारा माइनस टू ना, देख लो आंसर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखो जीरो, इसकी पाई बाई टू सॉरी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा पूरा कॉट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैंसिल नहीं होगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये अभी कैंसिल मत करना ठीक, रखो वैल्यू, ये जीरो हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट टू, ये वाला पार्ट जीरो माइनस वो वाला पार्ट वन माइनस वो वाला पार्ट भी वन होल अपॉन में माइनस का 48 कितना आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस 48 वन बाई 16 आंसर आ गया, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगा बट ये टाइम चलेगा, अगर आप मैं क्यों इसको सॉल्व करा क्योंकि आपको ये दिखाया ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सोचो कि बहुत बार हो गया, हो गया ना एक ही बार में हुआ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के अगर सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएशन तीन अब पाँच छः बार करना तो फिर तो हम लोग दूसरे अप्रोच पे चले जाएंगे, बट ये देखो तीन बार तक जा सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग इसको नहीं रखना था क्योंकि अपन को पता है जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाना तो कॉट एक्स तो रहेगी रहेगा साथ में, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं करना था अपन को इसको पार्ट को, कॉट क्या हो जाता है जीरो, तो इस पार्ट को छोड़ देना था, सीधा इस पार्ट को करना था, समझ गया ना, इसको अगर स्किप कर देते तो आपके लिए और आसान हो गया होता, क्लियर है बात, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा दूसरा तरीका इसका बता दे रहा हूँ मैं और किस तरीके से हो सकता है, हम लोग इसको स्केल चेंज कर सकते हैं, जैसे x टेंस टू पाई बाई टू है, मैं x माइनस पाई बाई टू को कुछ लेट कर लूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे लेट कर लो x माइनस पाई बाई टू इक्वल टू टी, तो यहाँ से पहले टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ जरा, टू कॉमन लो बाहर क्या बचेगा, नीचे ऊपर क्या बन जाएगा कॉट x, देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा t प्लस पाई बाई टू आएगा, नहीं आएगा बताओ, t प्लस पाई बाई टू, कॉस की जगह पे क्या आएगा t प्लस पाई बाई टू, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं ना, टू कॉमन ले लो क्या आ जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, अंदर क्या बचेगा, या माइनस भी कॉमन ले लिया x माइनस पाई बाई टू बचा, नहीं बचा, माइनस भी कॉमन ले लिया तो बोलो, तो क्या बचेगा टी क्यूब, इज दिस क्लियर, टी क्यूब हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो बच्चों, माइनस ए टी क्यू ना, और लिमिट अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट पहले एक्स कहाँ से जा रहा था पाई बाई टू तक, अगर इसमें पाई बाई टू दोगे तो टी कहाँ से जाएगा, अब जीरो, स्केल चेंज हो गया पूरा, चलो लिमिट टेन टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है
माइनस टेन थीटा, माइनस टेन टी, कॉस टेन टी प्लस थीटा क्या होता है बोले जल्दी से, कॉस टेन टी प्लस थीटा, साइन टी, पॉजिटिव साइन टी, पॉजिटिव साइन टी, कॉस पाई वाई प्लस थीटा, किसके घर में जा रहे हो, नहीं नहीं नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव साइन टी है ना, तो प्लस साइन टी अपॉन, क्लियर है, तो एक माइनस चेंज करके क्या बन जाएगा ये, टेन टी माइनस साइन टी, टेन टी माइनस अपॉन में, अब सॉल्व करना थोड़ा सा तुम्हें इजी लगने लगेगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल वो क्या जो फॉर्मूले वगैरह है या सीरीज वगैरह है वो अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, सीरीज या फॉर्मूले वगैरह हम थोड़ा सा अप्लाई करके जल्दी खत्म कर सकते हैं, काम और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत चेंज जाएगा। सर रीजनिंग होता ही नहीं, क्या करें, दिव्यांशी श्रीवास्तव रीजनिंग अच्छे से पढ़ोगे तब होगा बेटा, है ना, और उसके लिए एक्मे अकेडमी में जो हमारे सर पढ़ाते हैं प्रत्येक सर, उनका रीजनिंग पढ़िए आप, नहीं तो हमारे वीडियो देखिए, हमने भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाया हुआ है, जरूर बनेगा, समझ आ गया ना कंसेप्ट, बोलो बेटा, हर कंसेप्ट को हर तरीके से रेडी रहो, इस क्वेश्चन को बनाएं, जीरो प्लस पे है, फटाक से आंसर मारे, देरी ना लगाएं, वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है ये, मैं तुमको बता, नहीं 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 नहीं, ये क्या है यार, जीरो प्लस का मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, वो यहाँ पे बस इसको इसको सेट करने के लिए बताया कि पॉजिटिव रखना है, तो बेटा जी वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होना चाहिए, तो वन की पावर जीरो फॉर्म है, तो आंसर बना गया, क्यों अभी रखो जीरो, ये वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है, कुछ समय देखा जाए, 100% आई एम श्योर, 1/2x है बेटा ये पावर, ना पिछले क्वेश्चन की दे दी है, टाइप पर नया है, देखो मैं बता रहा पावर कहां से लाया, इस क्वेश्चन की पावर, अरे कहां गया, अच्छा वहां पे जहां से मैंने क्वेश्चन दिया था अगले क्वेश्चन की पावर थी एक्चुअली, ये पावर ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये टाइप पर थोड़ा नया है, पावर एक्चुअली बेटा 1/2x है ना, चलो कोई बात नहीं करो सॉल्व, ये तो आंसर ही बन हो गया होता ना, 1/2x, 1/2x है बेटा, है ना, चलो ऑप्शन भी अलग है बेटा इसके, सॉरी 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 ऑप्शन भी अलग है, 2, 1, 1/2, 1/4, पूरा क्वेश्चन ही आधा आधा कर दिया उसने, 2, 1, 1/2 और 1/4, चलो अब कर लोगे सॉल्व, देखें गौर से, वैल्यू जीरो पुट किया, वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, ये जीरो प्लस है, जीरो माइनस आ जाए, हम पॉइंट वन नहीं रखते हैं, ठीक है, पॉइंट वन रखना सिर्फ फंक्शन को चेक करने के लिए है, तो भाई पॉइंट वन पर ही एग्जिस्ट कर जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, रखना जीरो ही है, ये वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो, है, आंसर क्या होता है, ई की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, बोलते जाओ या सुनो, फिर यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो यानी कि टेन स्क्वायर रूट एक्स और इनटू में 1/2x, बोलते जाओ या सुनो, ई की पावर में, अब जानते हैं आप यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर बोल सकते, नहीं बोल सकते इसको, तो ये भाई साहब वन बन जाएंगे इसके साथ, तो पावर 1/2 बचा, ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ लॉग पी, वैल्यू पूछी गई है लॉग पी की, पूरा क्वेश्चन चेंज है एक्चुअली, देन वैल्यू ऑफ लॉग पी, तो लॉग ले लो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर, तुम सीधा 1/2 मार दिए तो मैं तब भी क्यों, तो आंसर इज, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, थोड़ा सा चेंज था, समझ गए होगे, गलत नहीं है क्वेश्चन, बस आपको समझना है, इज दिस क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी बताएं, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखें एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है यार, है ना, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दिखने में खतरनाक हो सकता है, ये वाली कंसेप्ट सबको समझ आई कि नहीं आई, ये वाली बताओ, नहीं आई मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, देखो बेटा इसको क्या लिखना है, टेन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2x हो जाएगा, तो 2x को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये भाई साहब मिलकर 1 हो जाएंगे, राइट, तो 1/2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा पार्ट, सुनो ना, शांत एकदम शांत बैठो तुम लोग, बहुत हो गया, चलो इस क्वेश्चन करें शांत, डोंट ब्रेक, आ जाओ ग्राफ से कर लेते हैं एक बार, बहुत आसानी से बनेगा ग्राफ, ध्यान से देखना बेटा,
ई की पावर एक्स का ग्राफ जानते हैं आप, बना दो। पर किसके लिए बनाना था, जीरो से इसको उड़ा दो, ये बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, जीरो लिया है ना उसने, ये ग्राफ बनेगा, इसके लिए बन गया। अब ग्राफ बनाना जीरो से बड़े के लिए वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स मतलब किस पे मिलेगा, वन पे, वन से उठेगा ना, और किससे चाहिए, जीरो से बड़े के लिए ना। तो ग्राफ एक्चुअली क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे भी और, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है ना, तो नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। दोनों तरीके समझ में आ गए, बोलो बच्चों, ग्राफ भी समझ आ गया, ग्राफ से भी समझ आ गया होगा, जब बच्चों ग्राफ बनाना आता है, तो दिस इज द ग्राफ, तो ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे हमारे, टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो इन पे क्या हो जाएगा हमारा, टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो दो डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होंगे और कॉन्टीन्यूअस पॉइंट हैं। क्लियर हुआ बात, समझ आया सभी को, समझ आ गया सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। करोगे जैसे कि फिर तो वो तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ना, ये वाले, कौन सा, तो इसके लिए कितने, इसके लिए कितने कितने क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट, इसलिए कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट, अगर डोमेन ले लोगे तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, फिर तो डोमेन में सारे पॉइंट आ जाएंगे। समझ आ रही है बच्चों बात, चलो आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे सभी लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी करते जाओ, फटाफट आंसर देते जाओ यार, है ना, जल्दी से, देरी मत करो, इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स, जल्दी करो, फास्ट करो, चलो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबल दिया है तो कॉन्टीन्यूअस भी तो होना चाहिए, यस और नो, तो पहले कॉन्टीन्यूअस की कंडीशन लगाओ, किस पे, थ्री पे ही है, देखो क्रिटिकल पॉइंट थ्री मिला मुझे, थ्री रख दो इसमें, क्या हो जाएगा, के थ्री प्लस वन कॉन्टीन्यूअस के लिए, ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री पे, और राइट हैंड लिमिट क्या कहलाएगी बच्चों, थ्री इसमें रख दो, तो टू के बन जाएगा ना, तो टू के माइनस, इज दिस क्लियर, इक्वेशन नंबर वन। अभी डिफरेंशिएबल भी, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू, यस और नो, नीचे वाले डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेफ एम, इसमें भी चलो थ्री पुट कर दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट, समझ गए ना डिफरेंशिएशन, यस और नो, दिस इज द डिफरेंशिएशन बेटा, विद द सेम कंडीशंस, पुट कर दो, थ्री क्या आ जाएगा, के अपॉन टू इंटू टू इज इक्वल टू एम, राइट, क्या बन जाएगा, के इक्वल टू, तो के माइनस फोर एम इक्वल टू, तो टू के माइनस एट एम इक्वल टू जीरो ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, टू के से टू के गायब, या टू के की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, एट एम, क्या हो जाएगा, एट एम माइनस थ्री एम इक्वल टू टू, तो एम का वैल्यू 2/5 है ना, एम का वैल्यू 2/5 इसमें रख दो या उसमें रख दो, तो टू के इक्वल टू क्या है हमारा, एट एम ना, तो टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एट इंटू टू बाई फाइव, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/5, तो एम प्लस के क्या हो जाएगा बेटा, एम का वैल्यू 2/5, के का वैल्यू 8/5, टू आंसर आ जाएगा, कहाँ सी दिख रहा है तुमको, 10/15 है वो ये वाला करें, जल्दी करें ट्राई, फास्ट, हाँ ये बात सही बोल रहा हूँ तुम, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सही बोल रहा हूँ, ये वाला, ये यही आंसर होना चाहिए, चेक जरूर नहीं करते हैं बट ये आंसर होगा इसका, है ना, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जीरो पे कॉन्टीन्यूअस रहेगा, जीरो कहाँ पर जाए, इसमें आ जाएगा, बट यहाँ पे वन होगा प्लस का, है ना, आंसर ही गलत लिखा है, क्वेश्चन ही टाइप गलत है, ये प्लस ही क्वेश्चन में ऐसा है ना, क्वेश्चन ही गड़बड़ है आई थिंक, अगर प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा, लिख लो, चलो मैं बस थोड़ा समझा देता हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर प्लस नहीं है ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा, सही बात है भाई, वन और माइनस वन पे ये डिफाइन नहीं है ना हमारा, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, इसका ये इसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन
माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस था ना, जीरो से क्या हो जाएगा माइनस वन से वन आ जाएगा राइट, यूनियन वन से ये आंसर आ जाएगा ठीक है। चलो लिख लो, सही बात है, नोट कर लो ठीक है बेटा, नोट कर लो है ना। अगर प्लस है तो ये आंसर आ जाएगा और माइनस है तो ये आंसर आ जाएगा। प्लस के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, और ये माइनस के लिए आंसर आ जाएगा ठीक है। चलो अब नोट कर लीजिए, हाँ आर माइनस करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो रियल नंबर माइनस माइनस वन कॉमा वन, ऐसे भी चलेगा ठीक है ना बेटा बात यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। कहाँ तक हो गया, ये हो गया, इस क्वेश्चन करें जल्दी से बेटा। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, आंसर बताएं जल्दी से क्या आएगा। ऑप्शन ए आ गया बेटा, वन अपॉन रूट टू। देखिए थ्री पाई बाई फोर पे हमें चेक करना है बेटा है ना, तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा है ना, चेक करना पड़ेगा थ्री पाई बाई फोर से कि पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर एक्स हमारा थ्री पाई बाई फोर से क्या है छोटा लेते हैं और थ्री पाई बाई फोर से थोड़ा सा क्या लेते हैं बड़ा एक को लेते हैं। जरा बताएं थ्री पाई बाई फोर पे एक्स कहां पर होता है, थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई फोर यहां होता है, इससे चाहे बड़ा ले लेना चाहे छोटा ले लेना दोनों में क्या रहता है ये नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस एक्स की तरह ही बिहेव करेगा या सुनो, तो इसका फिर इजीली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमारा नॉर्मली बिहेव करेगा कैसे, माइनस कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा बेटा साइन एक्स, और जब किस पे निकालना है हमको थ्री पाई बाई फोर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा साइन थ्री पाई बाई फोर, या सुनो तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली वन बाई ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, काफी अच्छा है ये। बताएं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पाई बाई टू पे बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है बट पाई बाई टू पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आंसर आया बच्चों yes. क्या करना है देखें जरा गौर से, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड है बेटा राइट, तो क्या करेंगे हम लोग पहले पाई बाई टू पे चेक करेंगे। तुम जरा बताओ मुझे पाई बाई टू से छोटा और बड़े पे क्या डिफरेंस आएगा कि सेम होगा, जल्दी बोलें
अगर मैं पाई बाई टू से छोटा या बड़े पे चेक करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव रहेगी? ओवरऑल की वैल्यू पाई बाई टू यहाँ होता है बेटा, पाई बाई टू से बड़े पे देखते जरा यहाँ पे, और पाई बाई टू से छोटे पे देखते हैं, ध्यान से देखो। तो आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, यस सुनो, इस पूरे में कौन बड़ा होता है, इस पूरे में कौन बड़ा होता है, जल्दी बोलो। साइन एक्स क्या होती है, बड़ी होती है कॉस एक्स से, यस सुनो, पाई बाई फोर के नीचे ऊपर, और पाई बाई फोर के नीचे कौन बड़ा होता है, कॉस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, यस सुनो। इसका मतलब बेटा कन्फर्म हो गया, पाई बाई टू की चाहे इधर देखना चाहे इधर, साइन एक्स क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कॉस एक्स से। और जब साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन कैसे ओपन होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यस सुनो, साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, और जब नेगेटिव होता है तो ऐसे खुलता है, तो डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस माइनस किस पे निकालना है बेटा, पाई बाई टू पे, क्या आएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, वन जीरो वन, तो बड़ा आंसर आ जाएगा, नोट कर लें, क्लियर है बात, एक बार चेक कर ले सभी लोग, यस सुनो। समझ आ गया सभी को, यस सुनो, रिप्लाई करते जाएं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए ट्राई करिए, फटाक से आंसर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक्स का वैल्यू है, वाई का है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है, सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, फटाफट आंसर बताएं क्या आएगा बेटा, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, जल्दी बोलो क्या नजर आ रहा है आपको, लेट करके करेंगे जल्दी हो जाएगा आई थिंक, इसमें क्या मानोगे टी को, टी को क्या पुट कर दें, टेन थीटा राइट, उसमें भी एक्चुअली वही रखना पड़ेगा है ना, तो अब अगर टेन थीटा टी को लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना, टी की जगह टेन थीटा है ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, साइन टू थीटा बन जाएगा ना, राइट, ध्यान से देखना, और टी की, और अगर मैं थीटा की जगह निकालूं तो क्या आएगा, चलो पहले निकाल देते हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, दोनों को क्या ले जाऊं, नहीं पहले से कर लो ना, क्या दिक्कत है, तो साइन टू थीटा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू कॉस टू थीटा, तो टू कॉस टू, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ना, 2 cos 2 tan इनवर्स है ना, यही वैल्यू आएगी ना बेटा, बट यहाँ पे डी थीटा डी टी भी तो होगा साथ में, इन टू में डी थीटा डी टी भी तो होगा, कोई मतलब निकलेगा इससे, सीधा सॉल्व कर लो, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा खास है ना, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, अलग अलग लेके फिर डी वाई बाई डी टी निकालते हैं ना, हाँ वो तो ज़्यादा बेटर है, तो सीधा डिफरेंस कर दो ना, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से निकालो, टू टी कॉस क्यों लिख रहे हो यार, टी में तो बहुत लंबा जाएगा ना, टी को लेट कर लें पहले, टी इक्वल टू टेन थीटा राइट, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, आगे थीटा इक्वल टू साइन वर्स बना लो, तो डी एक्स बाई थीटा निकाल दो, डी एक्स बाय क्या आएगा यहाँ से, तो टू कॉस टू थीटा, बस इतना ही बना रहे दो ना, थीटा में ही बना रहे दो,
अब इधर कर लो बेटा, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस टू थीटा आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा माइनस टू साइन टू थीटा, राइट। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये इसे वन मान लो, इसे टू मान लो, वन बाई टू कर दो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक करोगे टी में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी डिवाइड कर दो, फिर बाद में टी रख देना, थीटा रख देना है ना, जल्दी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस टेन टू थीटा, बहुत बढ़िया। आगे क्या हो जाएगा, माइनस टेन टू, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ आप, डायरेक्ट फॉर्मूला खोल देते हैं इसका, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो, माइनस टू टी अपॉन वन प्लस वन माइनस, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा, समझ आ गया, डी इज द राइट आंसर, क्लियर है यहां तक। चले आगे बढ़ेंगे, इसको करें सभी लोग, बनाएंगे जल्दी से, फटाक से करेंगे आंसर, ट्राई करें जल्दी से, डीवाई बाई डीएक्स निकालें। तो कल कैलकुलस के लिए एकदम तैयार रहे सब लोग, है ना, वन शॉट क्लास चलने वाली है कल, क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट, वो नहीं हो पाएगा बेटा। इलेवेंथ वाला कैसा था, तो वैसे ही रहे, करें बच्चों जल्दी से। टाइपिंग मिस्टेक बहुत करते हैं लोग यार, है ना, फटाफट सॉल्व करें। आस्था तिवारी का बी ऑप्शन आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है ना, लगेगा टाइम, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो शायद जल्दी आ जाए, ठीक, बट सब्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक चैलेंजिंग बनेगा इसका, राइट, बनेगा। तो आपको क्या पुट करना होगा, मान लो एक्स की जगह पर हम कुछ पुट कर दें, कॉस थीटा रख दें, साइन थीटा रख दें, बाई की जगह पर कुछ पुट कर दें, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा, फिर साइन सी माइनस साइन सी प्लस एन डी, यहाँ साइन सी माइनस एन डी, फिर सॉल्व, फिर आंसर, तो वो भी अपने आप में टाइम लगेगा। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग शुरू हो जाए, आंसर आ जाएगा, बताओ, वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस इंटू माइनस टू एक्स, राइट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हाँ उसमें भी टाइम लगने वाला है ना यार, वन माइनस बाई स्क्वायर इंटू माइनस टू बाई इंटू डी वाई वाई, इधर क्या हो जाएगा, a टाइम्स वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे मत लिखो, a माइनस में a डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साइड रख लेते हैं, तो उसको उठा के यहाँ लाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, देखो कॉमन यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का y अपॉन अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, वहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का, है ना, चलो, और इसको इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, a ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, a प्लस x अपॉन डर रूट, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। सॉल्व करने क्या आ रहा है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज्क्वल टू, यहाँ से क्या आएगा बेटा, वहाँ से क्या आने वाला है, a टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से क्या होने वाला है, अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में माइनस बाई प्लस ए अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो किसी भी तरीके से ना ये कैंसिल हो रहे होंगे, मे बी
किस तरीके से समझा देता हूँ। अगर मैं कोर से देखो इसको थोड़ा अलग अलग कर दे, ध्यान से देख देंगे ना बेटा, आ जाएगा आई थिंक, है ना। ये दोनों सेम है क्या? देखो जरा, या किसी को एक को सब्स्टिट्यूट कर देते आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ, इसमें ए से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखना बेटा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चेक करो कहीं ये दोनों बराबर आ रहे होंगे, मे बी। क्वेश्चन से ही निकालो इनकी वैल्यू, एक बार चेक करो दोनों सेम आएंगे क्या। क्वेश्चन से वैल्यू देखो सेम आ रही है क्या, जहाँ तक दोनों सेम आएंगे, और कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा इजी, सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा फिर, है ना। वैसे इसमें भी देखो वैल्यू दोनों बराबर आ रही है क्या बेटा, ये दोनों वैल्यू 100% बराबर आ रही होगी, 100%। बस समझ रहे हो ना, आंसर में ये दोनों बराबर हो जा रहे होंगे, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो जरा एक बार, आंसर आ गया वैसे हम लोगों का, है ना, बी आंसर इसका। एक बार रखें वैल्यू, क्या किया जा सकता है बोलो बेटा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना है ना उनको, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा। सीधा सब्स्टिट्यूट करो ना, एक वैल्यू उठा के आंसर आ जाएगा। सीधा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो, वैल्यू उठा के, वैल्यू उठा उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक। वैल्यू उठा उठा के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 - 22² / 1 - x², ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैथड 2, आप लेट कर लो x = cos अल्फा या वॉट एवर cosine, चलो x = sin अल्फा और y = sin बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ बेटा, cos अल्फा + cos बीटा, और वहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, ये है कि नहीं है क्वेश्चन में, चेक करूँ क्या एक बार, ऐसा तो नहीं ए ही ना हो, ए है बेटा, ए है हमारे पास, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, sin अल्फा माइनस, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्या होता है फॉर्मूला इसका बताएं जरा, 2 cos α + β/2 × cos α - β/2, इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2 sin, आगे बोलो, α + β/2 cos ना, और sin α - β/2, राइट ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो, नहीं कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसको था भेजना तो cot, ये कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा प्लस वाला से, ना, क्या बचेगा, cot α - β/2 = a, यस सुनो, राइट ना, तो cot तो क्या करना है हम लोगों को, क्या था, क्लियर है ना, cot α - β/2 = a, तो α - β/2 क्या हो जाएगा, cot inverse a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पता है ना हम लोगों को, साइन इनवर्स बदल देंगे ना इसको, तो α - β हो गया सॉल्व, देखो है ना, कहाँ पे कर दूँ, ये वाला मेथड समझ आ गया सभी को, ये 100% सब्स्टिट्यूशन में कैंसिल होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा बस कैसे हो रहा है, उठा के वैल्यू हो गया था क्या, हाँ रख दो को उठा के किसी की भी वैल्यू आंसर आ जाएगा उस केस में। यहाँ पे भी समझ आ गया होगा बेटा क्या करना है अब हमें, α - β की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, 2 cot inverse a, फिर सॉल्व कर लेना आप लोग इसे, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, sin inverse x, हट गया ए का कोई लॉजिक ही नहीं बचा, प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा, sin inverse φ = बना रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता, डिफ्रेंसिएशन 1/√ − 1/√ − (dy/dx)
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, समझ आया स्टेप, क्लियर हुआ सब्स्टिट्यूशन? हाँ, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है, एक कांस्टेंट है कोई भी, हम इसको जीरो लेके चल सकते हैं, बिल्कुल, ये भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, हम इसी को जीरो ले लेते हैं। देखो बेस्ट तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आंसर याद करके रखें, क्वेश्चन लेंथी है बट आ सकता है एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन तो मैं कराया हूँ, ठीक है, जब मैं आपको निमसेट पी वाई क्यू करा रहा था तब भी इसको सॉल्व कराया है मैंने, जब मैं आपको उस दिन पढ़ा रहा था उस दिन भी कराया हुआ है, जिस दिन कैलकुलस पढ़ा रहा था, या कल भी पढ़ाऊंगा, मतलब ये कह सकते हो। तो क्या आंसर होता है इसका, याद है ना, डी टू एक्स अपॉन डी डी टू को क्या लिखते हैं बेटा, याद है, डी डी वाई टू को डी एक्स अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, यही तो लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई ऑफ वन अपॉन में डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफिनेशन करेंगे, इसको टी मान लिया एक्स के एस्पेक्ट में, वाई के एस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, का होल स्क्वायर इन टू में, इसका अलग से करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू, क्या बन जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए ना, तो कौन सा आंसर आता है याद करो, कौन सा, सी सी आता है ना बेटा, डायरेक्ट ही आ गया ना, तो आ तो गया, देखो बढ़िया, आज तो जल्दी आ गया, हफ्ते की बार में आ गया ना ये, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस का हो जाएगा, और डी टू में क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा एक फर्क पड़ेगा ना, अभी माइनस टू पहुँचा अभी ना पावर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको रुको रुको, बाई के एस्पेक्ट में इन टू में क्या करना पड़ेगा हमें, इसको मन में क्या माना था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, याद है ना, याद है लॉजिक क्या करना होता है, डी एक्स डी ओवर डी वाई इन टू में डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है, याद आया, डी एक्स अपॉन डी एक्स, समझ गए ना, बस ये यही कलाकारी है इसमें, कुछ नहीं है, ये बन जाएगा माइनस का डी वाई वाई डी एक्स की पावर माइनस टू, बेटा है ना, यहाँ पे देखो इस डी इसको लेना और इसको लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू, बट ये हमारा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई बचेगा, तो उसको पलट के क्या लिख सकते हैं, डी वाई वाई डी एक्स की पावर माइनस वन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। आगे से याद रखो, दो बार तो निमसेट में आ चुका है प्रॉब्लम, मेंस में भी आ चुका है और दो बार निमसेट में भी आ चुका है, क्लियर है, क्लियर हुई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। सो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन करेंगे, आंसर बताएं जल्दी से बच्चों, क्या आएगा, फटाफट आंसर करेंगे, आंसर बताएं, आंसर नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन मांग के करो कोई भी, फटाफट आंसर करेंगे, देखें देखें क्वेश्चन, देखें क्या दिया, एफ ऑफ टू दिया हुआ है, एफ डैश टू भी दिया हुआ है, एफ डबल डैश टू भी दिया हुआ है, एफ इनवर्स में डबल ऑफ फोर पूछा गया है, समझ गए ना, तो अगर मैं इसको एसोलेट कर लूं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ इनवर्स क्या कहलाएगा, अच्छा इसको मान लेते हैं अगर हम लोग, चलो सोको बाई इज कल टू क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी टू एक्स बाई डी टू टू का निकलता है, अभी पढ़े ना हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आती है बताओ,
d2x upon d2y d2 की वैल्यू क्या आती है? d2x upon d2y d2 की वैल्यू क्या आती है बोलो, इसकी वैल्यू क्या आती है जल्दी बोलो, अभी पढ़े हम लोग, माइनस dy/dx, पावर 4 ही होना चाहिए ना, 2 ही होना चाहिए हर जगह, कुछ गड़बड़ है क्या? देखता हूँ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है क्या? पढ़े फॉर्मूला क्या है इसका, वैल्यू पावर 3 और इनटू में d2 by, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। f2 देखो एक बार चेक करो क्वेश्चन, f2 4 है, f'2 3 है, f" 2 1 है, और f inverse" की वैल्यू पूछी गई है, बोलो 4 पूछी गई है ना, रख दिया फॉर्मूला। अब थोड़ा गौर से समझें, किसकी पे वैल्यू पूछी है, 4 पे, 4 क्या है 2 पे है ना, देखो f ऑफ फंक्शन 2 पे क्या है 4 है, तो 4 पे क्या कहलाएगा 2, लॉजिकली देखें 2 पर वैल्यू क्या मिल रही है 4, इन्वर्स करेंगे तो 2 कहलाएगा, बोलो तो बस वैल्यू रख दो इसमें खत्म। इसकी वैल्यू कितनी जल्दी बोलो बेटा, ये f'x है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 ना, तो -3 की पावर क्यूब इनटू में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इनटू 1 हो जाएगा ना, और इन्वर्स करना है ना अपन को, dy/dx की पावर में -3 है ना, -3 तो -3 हो जाएगा, आ गया आंसर, तो -1/27 इनटू, अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि हम इसको याद करने क्यों बोलते हैं, फिर से समझने की कोशिश करें। एक्चुअली एफ इनवर्स करोगे, इनवर्स किसका करना है, d2/dx2 का, तो d2/dx2 क्या होता है हमारा, ये होता है ना, इनवर्स करो उसका क्या बन जाएगा, d2x upon किस पे निकालना था, x जब 4 था हमारा, x जब हमारा 4 था, और जब हमारा x 4 कब आएगा उल्टे में, 2 पे आएगा, तो 2 पे वैल्यू रख दिया हमने, खत्म हो गया सवाल। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार बना के रखें इस क्वेश्चन को भाई साहब सभी लोग, नोट कर लीजिए इसका फॉर्मूला, याद है d2x upon d2, तो ये फॉर्मूला भाई देखो ना, एफ इनवर्स का डबल डैश है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या कहलाएगा हमारा भाई, एफ इनवर्स हमारा क्या होता है, dx/dt होता है, उसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, d2x/d2/2 भाई, तो कहलाएगा हमारा, क्लियर है, और किस पे कहलाएगा, जब हम लोग इसमें फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो जरा, जब हम लोग एफ इनवर्स की बात कर रहे होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, dx/dy बन जाएगा ना, तो वेरिएबल क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा इस पे, तो हमारा उस टाइम पे बाई 4 हो रहा होगा, राइट, तो बाई 4 कब है, किस पे है बाई 4, बाई 4 किस पे है, जब एक्स 2 है, जब एक्स 2 है तब बाई 4 है हमारा, तो एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे, समझ गए ना, क्लियर हुई बात, सबको समझ आया, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये क्वेश्चन है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बढ़िया क्वेश्चन, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करेंगे फटाक से, वही वाला क्वेश्चन अभी किए थे हम लोग, ध्यान करो, पॉजिटिव है बस यहाँ पे, तो आप सभी लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या आता है, जल्दी बोलो, जल्दी से याद कर लो इसका डिफरेंशिएशन, स्ट्रिकलिंग कीजिएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो भाई क्या आया था, देखो डिफरेंशिएशन करो इसका बेटा, भाई x जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले फंक्शन बना देता हूँ आपका, क्या हो जाएगा, x जब हमारा 0 है, 0 से बड़ा होगा तो x अपॉन, और जब x हमारा 1 से छोटा होगा तो x अपॉन, बस वो कंडीशन पलट गई है, आपको पता है दोनों बार, हर बार क्या आएगा 1 upon 1+x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 upon, राइट बच्चों, ये आएगा बेटा डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूँ तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है, तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है, सो द राइट आंसर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच 3 sin x - 4 sin qx इज इंक्रीजिंग, चलो इसका डिफरेंशिएशन करें पहले, क्या दिखा है बेटा, 3 sin x - 4 sin y = डिफरेंशिएशन करें बेटा, dy/dx बताएं,
अच्छा साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला है, तो उसको सीधा साइन थ्री एक्स लिख दें, तो डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा, थ्री कॉस थ्री एक्स। अब ये बताओ डिक्रीजिंग कब होगा, ये डिक्रीजिंग किस में होता है, इंक्रीजिंग बोला ना, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव किस किस में होगी जल्दी बताओ, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होती है, कॉस पॉजिटिव कब होता है जल्दी बोलो, इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग थ्री कॉस थ्री एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट, सो कॉस थ्री एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बोलो बेटा, तो कॉस थ्री एक्स हमारा जीरो से बड़ा कब हो सकता है, जब एक्स कहाँ होगा, बोलो एक्स कहाँ रख दूँ, कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, जीरो से, या तो ये वाला केस लेंगे हम लोग, या फिर थ्री पाई शोल्डर ले लेता हूँ, माइनस पाई बाई टू चल रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू ले लूँ, तो माइनस पाई बाई टू से पूरा पाई बाई टू, जब एक्स हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा इंक्रीजिंग, तो थ्री एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स किसमें बिलोंग करेगा, फर्स्ट केस में माइनस थ्री पाई बाई टू से, सॉरी उल्टा ना, डिवाइड करना पड़ेगा, सही कर रहा हूँ ना मैं, माइनस थ्री पाई बाई टू से थ्री पाई बाई, कितना आ जाएगा आंसर, तो उल्टा कर गया ना हम लोग, थ्री डिवाइड करेंगे ना हम लोग यहाँ पे सीधा, हाँ भाई अगर एक्स ये है तो थ्री एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, और ऐड कर दोगे तो कितना कहलाएगा ये, पाई बाई थ्री, माइनस तीस से तीस क्या कहलाता है, साठ, माइनस तीस से तीस इसका लास्ट इंटरवल मिला, तो लॉन्गेस्ट इंटरवल इज पाई बाई थ्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समझ आया, क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट, बहुत अच्छा है, ध्यान रखें, समझ आया सभी को, यस नो बोलो, सर वंस अगेन कौन सा क्वेश्चन बेटा पूछ रहे हो फिर से बताओ, ये वाला बनाएं जल्दी से, सब लोग कर चुके हैं इसको भी आई थिंक कई बार, डिफरेंशिएशन करें बेटा इसका पहले क्या आएगा जल्दी बोलो, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का, और माइनस वन अपॉन वन प्लस एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा यहाँ ना, तो एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो माइनस वन माइनस वन प्लस एक्स ना, ऐसा ना, तो माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस, ऐसे ही है ना बेटा, जीरो से बड़े के लिए पूछा है क्या उसने, पॉजिटिव के लिए देखना ना अपन को, तो क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स हमेशा बोला गया जीरो से, जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा है क्या कहलाएगा ये, दोनों होगा ये तो, अच्छा जीरो से बड़ा मतलब वन भी लिया कुछ भी ले लें ना, ठीक है कुछ भी ले लो आप जीरो से बड़ा, ये पॉजिटिव है ना हमारा कोई भी, तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ए भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये देख लेना थोड़ा सा, एक्स हमारा क्या दिया गया था जीरो से बड़ा दिया गया था, क्लियर है ना, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट करते जाएं सभी लोग, If the normal to the curve y square is equal to 5x minus 1 at this point is form this, हो जाएगा normal निकालना है y square is equal to 5x minus 1 का, तो 2y by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5, तो by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 upon 2 by किस पॉइंट पे पूछा है, तो स्लोप क्या हो जाएगी टेंजेंट की बेटा 1 रख दो माइनस 2 रख दो, तो माइनस 5 by 4, यस और नो, माइनस 2 रखोगे माइनस 5 by 4, ये स्लोप किसकी आई टेंजेंट की, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी 4 by 5 हो जाएगी, तो इक्वेशन नॉर्मल की क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू 4 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 बाई प्लस 10 इक्वल टू 4 एक्स माइनस 4 है ना, चलो कंपेरिजन मार देते हैं 4 एक्स माइनस 5 बाई प्लस 14 नहीं माइनस 14 इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस 14, तो 4 और माइनस 14 राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेक करते जाएं सॉल्व करते जाएं,
चेक करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। बोले बच्चों, यस और नो? हटा दूं? अगला क्वेश्चन इसको करें। ये कर्व है और एक वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए का वैल्यू बताएं। राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो इसका स्लोप और उसका स्लोप दोनों क्या हो जाएगा? माइनस वन के बराबर। तो इसका स्लोप डिफरेंस नहीं करो पहले, इंटरसेक्ट राइट एंगल बोल दिया ना उसने। इस बाई क्यूब है तो क्या हुआ, बना रहे दो बाई क्यूब ही है बेटा, बाई क्यूब ही दिया है। ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे। 2x अपॉन अल्फा 2y अपॉन 4 इंटू बाई डैश इज इक्वल टू 0। बाई डैश की वैल्यू बेटा बोलो जल्दी से, माइनस 2x बाई अल्फा इंटू में 2 अपॉन बाई, राइट? तो माइनस का 4x अपॉन क्या अल्फा वाई ना। अच्छा, इसकी स्लोप निकालें जरा। 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू, कुछ और तो नहीं, मुझे तो 22 क्यूब बाई स्क्वायर ही होगा। बाई स्क्वायर बहुत जल्दी कट जाएगा ना, नहीं कटे, कहाँ से कटने वाला है? 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू 16, कट जाएगा बाई स्क्वायर हुआ तो, है ना? यहाँ बाई डैश भी आएगा ना, तो बाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कटना चाहिए एक्चुअली। जब मल्टीप्लाई देखो, डिवाइड करेंगे ना दोनों को, नहीं m1 इंटू m2 होता है ना, आ जाएगा वहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 क्या लाएगा, ये m2 क्या लाएगा, तो m1 इंटू m2 क्या होता है बेटा, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, सही है। m1 की वैल्यू माइनस 4x अपॉन अल्फा वाई इंटू 16 3 बाय स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू x इंटू 16 अपॉन में अल्फा 3 अल्फा इंटू वाई क्यूब, वाई क्यूब की जगह पे 16x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये कैंसिल, 16x है 16x कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3। फोर बाई थ्री आ रहा है यहाँ, 4/3 नहीं दिया उन्होंने ऑप्शन में, 4/3 भी है। पूरा टाइपिंग मिस्टेक है आज, अच्छे से मतलब अगर मैं थोड़ा सा आराम में आ जाऊँगा, आलस में आ जाऊँगा ना, तो क्वेश्चन बहुत सारे ठीक किया तुमने, ठीक किया, नहीं आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 4/3 आंसर होगा बेटा, है ना? उस क्वेश्चन में भी क्या ना, मैं आंसर देखा, हमने कहा आंसर तो वही दिया है, तो मैं भी रिलैक्स था, मैं होगा ठीक है, अपना दिमाग देता जोड़ पे, और क्वेश्चन ही पूरा गलत दे रखा था। हाँ, मतलब वो सही नहीं है, टाइपिंग गड़बड़ हो जाती है। समझ आ गया, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्स सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ टू नंबर कितना है बेटा, 3, दो नंबर का सम 3 है, तो प्रोडक्ट किसका पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ सेकेंड, मतलब बाई इंटू एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक, तो बाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो dp बाई dx क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3x स्क्वायर, राइट, पॉइंट जीरो कर लो, किस पे आएगा, टेकिंग जीरो, तो 3x स्क्वायर 6x माइनस 3x इक्वल टू जीरो, तो क्या कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2, तो x की वैल्यू 0 और 2 आया ना, बोलो x की वैल्यू 0 और 2 आई ना बेटा, बोलो, तो अब 0 और 2 बना लो तो क्या आएगा, देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा, 0 और 2 ले लिया, इसको चेक करना होता है ना, इसको नेगेटिव आएगा भाई, 2 से बड़ा रखो यहाँ पे क्या आएगा, क्या फैक्टर आ रहे हैं, ऐसे आएगा ना 6x आएगा, एक नहीं ये था ना बेटा हमारा, तो इसको कुछ ऐसे कर लेंगे हम लोग, क्या 3x कॉमन ले लेंगे, तो अगर मैं देखा तो नेगेटिव आएगा कोफिशिएंट, है ना, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव, क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम के नेगेटिव मिनिमम, तो आप समझ रहे ऐसे आएगा, बोलो बेटा, सॉरी सॉरी उल्टा,
टू पे मैक्सिमम होगा ना, किस पे होगा यार, जीरो पे, टू पे ना, यहाँ से ऐसा आएगा ना, ऐसा है ना, तो ये टू पे क्या आएगा मैक्सिमम, एक्स इक्वल टू टू है तो भाई क्या हो जाएगा, पूछा क्या आपसे प्रोडक्ट क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली ना, तो रख दो इसमें, पी में रखना पड़ेगा, पी में रखो, तो पी क्या आ जाएगा, पी मैक्स क्या आ जाएगा, पी मैक्स 1 × 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, 4 इज द राइट आंसर। हाँ अकेडमी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको बनाएं जल्दी से, पांच मिनट इसको बनाएं जल्दी। पूछा गया बेटा वन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करें जल्दी से बच्चों, क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स बोले क्या आएगा, 12x² - 36x + 27, इसको जीरो ले लेते हैं बेटा, क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, कुछ आएगा, 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 4x² - 9x कौन बोला था अभी, क्या अभी मतलब तुम लोग कांड हो जाएगा तुम लोगों के साथ, वैसे भी आज टाइपर से दिमाग खराब है मेरा, 36 कितना आएगा बोलो, 9 × 3 नहीं, 36 कब आएगा, 36 यार 66 रात को बंद हो जाता है दिमाग, रात को दिमाग बंद हो जाता है, 2x कॉमन लो, ओवरटाइम हो गया, प्रिपेयर नहीं थे पहले से, मैं भी प्रिपेयर नहीं था पहले से, क्योंकि क्या हो गया था ना, अमन सर की डाइट क्लास आ गई आज, तो उन्होंने कहा मैं लूँगा क्लास, तो फिर मैं 7:30 बजे तो लेने वाला था आज, ये तो क्या आ जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, तो एक ही पॉइंट मिला 3/2, बट ध्यान से देखना थोड़ा, कहानी बदलने वाली है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिफरेंशिएशन, बोलो तो क्या आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, स्टेगली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ऐसे भागता चला जाएगा, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, रिप्लाई करें यस और नो, देखना पड़ेगा इसका आंसर एक बार, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं दे डाली, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, ठीक है सही है, क्लियर हो गया सभी को, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ऐसे चला जाएगा भाई सब ग्राफ, ठीक है, जो एक बार जाएगा वो रुकेगा नहीं, आसमान में रॉकेट की तरह जाएगा सीधा सुई, वो बात अलग है, 2a भी होता है इसका तो आंसर याद है, ठीक है, गिल्ट टेस्ट इसको मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अगर एग्जाम में आए तो राइट मार देना, क्योंकि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये उसको बदल कर दे दे तो भी आप 2a भी मार देना, क्या होता है ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, मतलब ग्रेटेस्ट एरिया क्या होगा रेक्टेंगल जो किसी एलिप्स के अंदर आता है, तो एलिप्स के अंदर आने वाले इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो 2a भी होता है, ठीक है, ध्यान रखें बच्चों, बोलते जाएं, समझ में आया, 2a भी sin थीटा होता है ना, एंगल सेंटर एंगल से बनाओगे तो, क्लियर है यहां पे, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसलिए दिया है क्वेश्चन, किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड कर दो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एक्स के किस वैल्यू पे मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि सर 2 या 2 से बड़ा होता है, तो जनरली 2 लगा के निकल जाते हैं, बट आंसर 1 है इसका, वो पूछ रहा है एक्स के किस वैल्यू पर मिनिमम मिलता है, तो एक्स के किस वैल्यू पे मिनिमम मिलता है बेटा, 1 पे, क्लियर बात, एक्स की वैल्यू 1 पे मिनिमम मिलता है, अब आप सोचो सर एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव हुआ तो भी मिनिमम 1 पे ही मिलेगा, तब मिनिमम बदल जाएगा, -1 हो जाएगा वो अलग बात है, ठीक है, मिनिमम बदल जाएगा अगर नेगेटिव लोगे, ठीक है, बट हमें क्या करना है पॉजिटिव लेके मान निकल जाइए ना,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पॉजिटिव मान लीजिए, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टू होती है, किस पर आती है, जब एक्स वन होता है। ध्यान रखना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर एक्स पॉजिटिव नंबर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू टू होती है, बट किस पर होती है, वन पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये गौर से थोड़ा देखिएगा, इंटीग्रेशन बनाएंगे, क्या बन कर थोड़ा लाओ जाओ, खाते हो क्या, वहीं लेके आते हो, हाँ खा के आ जाओ, चलेगा लाओ दिलाओ तो। क्लियर है बच्चों, आंसर करें, रिप्लाई करें फटाफट फटाफट फटाफट। एनालिसिस क्लास होगी ना अभी, फटाक से आंसर बताएंगे सभी लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये और बहुत ही टफ भी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया हुआ है आपको कि अगर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाना शुरू करें। ऑप्शंस में गौर से देखें, सारे ऑप्शन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें एक में ये रहेगा नीचे और एक में ये रहेगा नीचे, यस सुनो देखो है ना, तो ये दोनों तो मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है, इन दोनों में से रहने वाले हैं नीचे, तो इसका मतलब ये अलग अलग ब्रेक होगा, उसके लिए कन्फर्म है ऊपर हमारा कुछ इस तरीके के फैक्टर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं x की पावर 4 और x की पावर माइनस 4 इसको प्लस माइनस कर दो, चलो बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1, क्या हो सकता है बेटा, यहां से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन लेंगे बोलो, एक्स क्यूब, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, नहीं किसको लिया जाए साथ में, कौन से दोनों को साथ में लिया जाए, देखो इन्हीं को लेना पड़ेगा, x की पावर 4 ले ले तो 1 कॉमन x की पावर 4 माइनस 1, यही लेना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, देखो कॉमन लेके एक बार चेक करो, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इससे है ना, मुझे दो ही दिख रहे हैं बेटा सब लोगों को, बोलो दो ही दिख रहे हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा तुरंत फटाक से, तो डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट ऑप्शन का, चलो इस ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करें जल्दी, आंसर बताएं क्या आएगा, कुछ मत करो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करो, इस ऑप्शन का 1/4 इंटू में 1/4 एक्स की पावर 4 इंटू 4x क्यूब राइट माइनस, यहाँ बोलो बेटा 1/1 + x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 से 4, वो भी सही था क्या, मुझे भी लग रहा, तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर आ गया ना आंसर, आ गया आंसर बेटा, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4, वही बन गया देखो ना, आ तो गया आंसर, ठीक यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, तो यही आंसर है शायद सी, जो पहले कर रहे थे वो भी सही था लॉजिक है ना, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, एक्स क्यूब किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 को एक साथ रख लेते हैं और माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस 1 अलग रख लेते हैं है ना, तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अलग कर दें और माइनस कॉमन लेके एक्स की पावर 4 और प्लस 1 अलग कर दें और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स बचेगा है ना, ऐसे ही ना बेटा, अलग अलग सेपरेट कर दो, इधर वाले में डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व हो जाएगा और ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, एक्स क्यू अपॉन माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग एक्स प्लस 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 बाहर आ जाएगा बस, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से डिवाइड कर दो
ये भी लॉग में आंसर आ गया ना। बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर हुआ लॉजिक। आप डिफ्रेंसिएशन से भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे ये। चलो नेक्स्ट क्लास हमारी एक और होगी कैलकुलस इस पर, जो कि कल तो नहीं होगी, हम लोग लेंगे परसों। परसों इन द सेंस कौन सा दिन है? संडे को। संडे को एक आरबीसी की क्लास हम लोग और लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल फोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और मॉड्यूल फोर में हम लोग कुछ अब अगली बार जो क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं वो हम लोग इंटीग्रेशन एरिया के थोड़े ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है। क्लियर बात। और कल भी हमारा पूरा कैलकुलस ही है, तो कल की क्लास जरूर सॉल्व जरूर ज्वाइन करें, 12 घंटे की रहेगी, पूरा 12th का मैथमेटिक्स उसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, थैंक यू।